जौनपुर के साहगंज नगर में जियो फाइबर नेटवर्क कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को कंपनी के स्टेट हेड अजय भाटिया द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूरे शहर समेत ग्रामीणों क्षेत्रों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भाटिया ने कहा कि जियो फाइबर नेटवर्क से शहर को स्मार्ट बनाया गया है। एक ही कनेक्शन पर कंपनी टीवी चैनल, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल, लैपटॉप सब चला सकते हैं। उन्होंने पहला कनेक्शन लेने वाले पुराना चौक निवासी रोमिल अग्रेरी को सम्मानित किया। अजीत जायसवाल ने बताया कि नगर को दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में सेवा शुरू हो चुकी है, दूसरे हिस्से में काम युद्ध स्तर पर जारी है। बतौर विशिष्ट अतिथि तहसीलदार आशीष सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था से नगर की नई पहचान होती है। व्यवसायी सुजीत जायसवाल ने अतिथियों को माला पहनाकर और इसमें चिन्ह देकर सम्मानित किया है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। को जियो फाइबर के लिए क्या फायदा होने वाला है? तो आज हमने शाहगंज में जियो फाइबर की सर्विस लॉन्च किए हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विसेज, टीवी चैनल, ओटीटी ऐप, टेलीफोन लैंडलाइन नंबर सब मिलता है एक ही प्लान में, और इससे आपका पूरा शहर जो है अभी डिजिटल होगा और स्मार्ट होम जिसको बोलते हैं, पूरा आपका होम स्मार्ट हो सकता है एक हमारे फाइबर कनेक्शन लेने से। आपको पूरी सर्विसेज मिलती है एक फाइबर कनेक्शन से। अभी हमारी टीम पूरी शाहगंज में थी, आज भी थी, कल भी थी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें यहाँ पे। हमारे प्लान्स 399 से शुरू होके 2499 तक जाते हैं, तो बहुत अच्छे प्लान है। सारे वर्क के लिए हमारे पास प्लान हैं। इंटरनेट प्लान शुरू होते हैं, उसके बाद ओटीटी प्लान आते हैं, टीवी प्लान आते हैं, और अपवर्ड डिजिटल इंडिया हो रहा है हमारा क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये पहुँचने, कब तक पहुँचने की संभावना है, क्या है? हम यूपी ईस्ट में ये 52वां शहर है जो हमने पार्टनर्स के साथ लॉन्च किया है, और हमारे कम से कम 100 शहर लॉन्च होंगे पूरे यूपी ईस्ट में आने वाले एक 2 महीने में। ठीक, थैंक यू।